डूंगरपुर एक ऐसा शहर जहाँ अभी भी प्राचीन आदिवासी संस्कृति जीवित है, जहाँ के लोगों के जीवन में अभी भी अनूठे रंग भरे हैं। नीले आसमान के नीचे धरती पर बिखरा हरा रंग इस शहर को हरियालो डूंगरपुर बनाता है, और जो शहर स्वच्छता में सर्वोत्तम हो वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य भी निश्चित रूप से सर्वोत्तम ही होगा। फिनिस सोसाइटी नगर परिषद के साथ मिलकर विगत कुछ वर्षों से घर घर कचरा संग्रहण पर सुचारू रूप से कार्य कर रही है। मुख्य घरों से आने वाले गीले व सूखे कचरे का उचित प्रबंधन हमारे पर्यावरण के लिए भी आवश्यक है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए फिनिस सोसाइटी द्वारा नगर परिषद के सहयोग से समुदाय को जागरूक करके गीले कचरे से गुणवत्तापूर्ण खाद बनाई जा रही है, और इस प्रक्रिया को व्यावसायिक रूप में भी देखा जा रहा है। घरेलू गीले कचरे से खाद बनाने की प्रक्रिया को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने मुलाकात की श्रीमती पद्मा शर्मा जी से, और जब हम उनके घर पहुँचे तो हमें पद्मा जी और उनके पति श्री संतोष शर्मा जी अपने हरे भरे बगीचे में काम करते हुए दिखाई दिए, और फिर हमने शुरुआत की पद्मा जी से इस प्रेरित करने वाली यात्रा को और भी बेहतर तरीके से जानने की। मैं डूंगरपुर में सिंधी कॉलोनी में जैन गली नंबर 2 में रहती हूँ। जब मैं छोटी थी तब हमारे जयपुर में जब हम रहते थे तो हमारे क्वार्टर में काफ़ी स्पेस था, और मेरे फादर का बैकग्राउंड जो था वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से था, तो उन्होंने काफ़ी पौधे लगा रखे थे। और जब हम छोटे छोटे थे तो हमको पत्थर बीनने के लिए बोला जाता था। धीरे 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 जैसे हम बढ़ रहे थे दूसरे दूसरे कामों में हमको इन्वॉल्व किया जाने लग गया पापा की तरफ से, और साथ में हमारे कॉलोनी के जो बच्चे थे वो भी आ जाते थे। सभी को बड़ा अच्छा लगता था वो सब करना, तो तभी से मेरा मन में था कि मेरा खुद का एक गार्डन होना चाहिए। लेकिन जब हम पहले गांव में रहते थे, ऊबरी गांव में रहते थे, तो वहां पे हमारे पास स्पेस नहीं थी। डूंगरपुर में जब हम आए तब मेरे पास काफ़ी स्पेस हो गई, तो मैंने वही जो अपना सपना था वो पूरा करने का सोचा। तो इसके लिए मैंने धीरे 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 पौधे लगाने शुरू किए। ये जो ज़मीन थी उसमें बहुत गड्ढा था, उसमें कम से कम हमने 1000 ट्रैक्टर मिट्टी डलवाई है तब ये ऊपर लेवल पर आया है। उसके बाद धीरे 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 हमने ये पौधे लगाने चाहिए। मेरे इसमें मेरे गार्डन में बहुत सारे पौधे हैं, फ्रूट्स भी बहुत सारे हैं, फ्लावर्स भी बहुत सारे हैं, दूसरे लीव्स वाले भी पौधे हैं, छायादार पौधे भी हैं, धूप वाले पौधे भी हैं। जब मैंने इतना बड़ा सारा गार्डन में इतने सारे पौधे लगाए और उसको इतना डेवलप किया, तो बाज़ार से उसके लिए कंपोस्ट लानी पड़ती थी जो काफ़ी महंगी पड़ती थी। कई बार मैंने सोचा कि मैं खुद भी बनाऊँ, लेकिन सोचते सोचते बात दब जाती थी। और फिर एक बार वो कचरा कलेक्ट करने वाला आता था तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम इतना जो पत्ते और ले जाते हो क्या करते हो उसका? उसने बोला हम इसकी खाद बनती है हमारे वहाँ जाकर के वहाँ। तो मैंने सोचा क्यों ना उसको दे रहे हैं तो हम खुद ही क्यों ना बना लें इसको। फिर धीरे 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 मैंने थोड़ा यूट्यूब पर सर्च किया, थोड़ा वो किया, फिर बनाया। तो एक बार मेरे हस्बैंड वो कचरे के पैसे कलेक्ट करने आए तो राजन भैया थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि फिनिश सोसाइटी से यहाँ पे नरेंद्र जी शर्मा हैं, वो काम करते हैं, तो आप उनसे बात करिए। हालांकि मैं शुरू तो कर चुकी थी, लेकिन नरेंद्र जी आए तो हमने कुछ कुछ गलतियाँ कर दी थी। हमने उसमें मूंगफली के जो छिलके थे वो पूरे पूरे डाल दिए थे, जो छोटे छोटे अमरूद गिरते थे वो भी पूरे पूरे डाल दिए थे। तो उन्होंने हमको ये बताया कि ये पूरा नहीं डालने का है, इसको क्रश करके डालिए, ऐसे डालिए। और उसमें कीड़े भी बहुत सारे होते थे क्योंकि हमको प्रॉपर नॉलेज नहीं थी इस बारे में। तो उन्होंने हमको बताया कि ये जो कीड़े हो जाते हैं ना ये मॉइस्चर की वजह से होते हैं, तो आप इसमें सूखा काउडंग डाल दीजिए या मिट्टी की लेयर डाल दीजिए। फिर उसके बाद हमने उससे पद्मा जी द्वारा पारंपरिक तरीकों के साथ नवाचार करके खाद बनाया जा रहा है। यह उनकी लगन और मेहनत का ही परिणाम है कि विगत 1 साल से अधिक समय में उनके द्वारा 10 बार खाद बनाई गई है, जिसका उपयोग उन्होंने अपने पूरे गार्डन में किया है। अब बारी थी पद्मा जी के द्वारा तैयार की जा रही खाद की प्रक्रिया को और भी बेहतर तरीके से समझने की,
और यह समझने की कि आखिर पद्मा जी घर पर गुणवत्तापूर्ण खाद किन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर बना पा रही है। तो इसमें आपने अभी क्या क्या मिक्स कर रखा है? इसमें नींबू, नींबू के छिलके हैं, जो नींबू पक जाते हैं, खराब हो जाते हैं, वो है। रोज चाय पत्ती डलती है। चाय पत्ती मतलब बिना धोए डालते हैं? नहीं, धो के डालते हैं, उसको 4-5 बार धोना पड़ता है। और वो ये डाल रखा। अच्छा, फिर इसमें क्या है कि मूंगफली जो हम खाते हैं, तो मूंगफली के छिलके होते हैं, उसको भी मैंने मिक्सर में पीस कर करके और डाला है। और अखरोट के शेल्स जो थे, तो एक बार तो उससे ब्लेड टूट भी चुकी है, लेकिन फिर सेकेंड टाइम मैं पेपर अखरोट लेकर के आई, उसके जो शेल्स होते हैं वो बड़े सॉफ्ट होते हैं, तो वो मिक्सर में पीस करके वो आज ही इसमें डाले। वो भी आपके मॉइस्चर को कम करने के काम आते हैं। तो चाय पत्ती जो धोने का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा बताएंगे क्यों 4-5 बार धो रहे हैं? वो 4-5 बार इसलिए धो रहे हैं, एक तो उसकी जो गर्माहट होती है वो निकल जाती है, और दूसरा उसका चीनी वाला जो होता है ना, चीनी का पोषण होता है, वो भी निकल जाता है, नहीं तो फिर चींटियां जाती है इससे। ओके, और कीड़े भी पड़ते हैं? हाँ, कीड़े पड़ते हैं ना उससे। अच्छा, अगर बिना धोए हम ज़्यादा डाल देंगे तो उसमें कीड़े भी पड़ जाएंगे। अच्छा, और आप जैसे बताया आपने कि आप क्रश कर रहे हैं चीज़ों को, फिर डाल रहे हैं, क्यों हम बिना, जैसे आप आंवला, जैसे मैं देख रहा हूँ इसमें अभी आंवला भी डला हुआ है। हाँ, मैंने उसके टुकड़े करके डाले हैं उसको। तो अगर जैसे आंवला में पूरा अगर डाल दूंगा तो क्या उसका कंपोस्ट रेडी नहीं होगा? उसमें बीज रहेगा ना, उसका बीज तो हार्ड होता है ना, तो वो फिर प्रॉब्लम करेगा, वो होगा भी नहीं फिर उसको बाद में जब निकालेंगे तो बीज के बीच पूरा आएगा पूरा, मतलब इसलिए काट करके डालती हूँ मैं। मतलब कंपोस्ट थोड़ा जल्दी तो तैयार भी, हाँ, जल्दी तैयार हो जाए। और वो क्या आंवले के जो हमने पीसेस जो काटे हैं ना, वो जल भी गल भी जाएंगे। वैसे आमतौर पर कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन यहाँ कहावत थोड़ी सी उल्टी हो जाती है। पद्मा जी के बचपन के सपने को पूरा करने में उनके पति श्री संतोष जी का भी पूर्ण योगदान है। उनसे बातचीत करके हम उनके सहयोगी और मधुर व्यवहार से अवगत भी हो पाए। ये है कि भाई मैडम का जो उनका मन बचपन से ही जो शौक था, और हम लोग क्या गांवों में रहते थे तो हमारे पास मैंने इतनी ज़मीन भी नहीं थी, दूसरा क्या इतना नॉलेज भी नहीं था, ठीक है खेती करनी और वो, परंतु अपने पास वो ज़मीन भी नहीं थी। ऐसी स्थिति में हम लोग जो है वो प्रयास किए, और इस प्रयास के अनुरूप आज हमारे पास समस्त प्रकार के प्लांट्स उपलब्ध हैं, और कंपोस्ट खाद का जो फिनिश सोसाइटीज़ जो है उनका, नरेंद्र जी शर्मा जो हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, निश्चित ही वो भी बधाई के पात्र हैं, उनका भी इसमें योगदान ही मानिए, क्योंकि यहाँ दिमाग की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी तो हम लोग उनसे यही पूछा करते थे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे उपाय बताए। उसके रूप से आज अभी देखेंगे तो हमारे पास दीमक जो है वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है। तो कोई भी प्रयत्न अपन करें, लेकिन उसमें के पीछे यदि किसी का अपन को सपोर्ट मिल जाए तो निश्चित है कि अपन सफलता को। पद्मा जी को आयुर्वेद का भी उचित ज्ञान है, यही कारण है कि उनके बगीचे में हमें कई प्रकार के स्वास्थ्यवर्धक आयुर्वेदिक पौधे दिखाई दिए, और हमने उनसे इस बारे में बातचीत भी की, तथा उन्होंने हमें खाद बनाने में फिनिश सोसाइटी से मिले योगदान के बारे में भी बताया। आपने काफ़ी सारे कंपोस्टिंग भी की है, लेकिन हम बात करें कि प्रीवियस, शायद हो सकता है आपको पहले से इसकी जानकारी होगी कि हम कंपोस्टिंग कैसे करते हैं या किस क्या प्रक्रिया होती है और इसका हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। क्या फिनिश सोसाइटी से आपको क्या यहाँ पर फ़ायदा, क्या कहें कि क्या योगदान मिला आपको फिनिश सोसाइटी से, या जानकारी मिली हो किसी तरह की? हाँ, स्टार्टिंग में जब मैं करती थी तो कुछ कुछ उसमें कमियाँ रह जाती थी, जैसे उसमें कीड़े ज़्यादा हो जाते थे और टाइम भी ज़्यादा लगता था। तो मेरे को फिनिश सोसाइटी से नरेंद्र जी हैं एक, उन्होंने आकर करके उसके बारे में बताया कि आप इसको, ये जो मॉइस्चर है उसको नहीं होने देने का है, उसको थोड़ा ड्राई ही रखने का है। और फिर उन्होंने ये, हम क्या अलग अलग मटके रखते थे, लेकिन उन्होंने बताया कि स्टैंड पर आप रखो और उससे उसकी लीचेट जो निकलती है उसका भी यूज़ हो सकता है, उसको फिर अगेन उसमें ऊपर डाल सकते हैं, या फिर उसको 1 लीटर पानी में एक बॉटल डाल कर करके उसको आप स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मुझे जरा फिनिश सोसाइटी के जो मेम्बर थे उनसे मुझे सपोर्ट मिला और आगे बढ़ने का, और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मुझे उनसे मिली कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहले मैं उसमें उबली हुई चीज़ें भी डाल देती थी, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि उबला हुआ नहीं डालने का है, इसमें हर चीज़ कच्ची ही डालने की है,
तो उससे भी थोड़ी मेरी खाद जो है अच्छी बनने लगी और ज़्यादा बनने लगी। पत्थर व अन्य सामग्रियों का उचित प्रयोग करके अपने बगीचे को और भी सुंदर बना रही है, साथ ही उनके बगीचे में पक्षियों के लिए दाने व पानी की भी उचित व्यवस्था है। और अब बारी थी पद्मा जी व संतोष जी द्वारा मेहनत से संजोए हुए सपनों के हरे भरे बगीचे को देखने की। यकीन मानिए मेरा, इस बगीचे में आकर आपको प्रकृति रूपी स्वर्ग में एक ऐसी आत्मिक शांति मिलेगी जो आपको आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में वो सुकून देगी जिसकी हमें हमेशा तलाश रहती है। पद्मा जी की ही तरह डूंगरपुर में और भी कई महिलाएं हैं जो खाद बनाकर न सिर्फ अपने सपनों को साकार कर रही हैं, बल्कि पर्यावरण को बचाने में भी अपना योगदान दे रही हैं। लेकिन अब हमारी बारी है कि हम यह सोचें कि प्रकृति से तो हम बहुत कुछ ले रहे हैं, लेकिन बदले में हम आखिर प्रकृति को क्या दे रहे हैं।